नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत और चीन के तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लद्दाख पहुंचे। पीएम मोदी लेह एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वहां से नीबू में बनी फॉरवर्ड पोस्ट पर गए। वहीं मोदी ने ताज़ा हालातों की जानकारी ली। पीएम मोदी लद्दाख में उन जवानों से भी मिलने जाएंगे जो गलवान झड़प में घायल हुए थे। मोदी का यह दौरा चीन को संदेह भी है कि देश फौज के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ इस दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी यह बात स्पष्ट कर दिया था कि हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता। झारखंड मौसम विभाग ने 24 घंटा के लिए वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि 4 से 7 जुलाई के बीच झारखंड में लगभग सभी जिलों में वज्रपात और बारिश होने की अनुमान है। उधर झारखंड में अलग अलग स्थानों पर हुए वज्रपात में 8 लोगों की जान चली गई। अभिभावक संघ का आंदोलन शुरू। झारखंड अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने मोराबादी मैदान स्थित बाबू वाटिका में अपनी मांग को लेकर एक दूसरे से धरना दिया। अभिभावकों ने कहा कि महामारी के कारण लॉकडाउन लगाए जाने के कारण अभिभावक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, स्कूल बंद है। इसके बाद भी स्कूल अभिभावक से लगातार सभी प्रकार के फीस की मांग कर रहे हैं और नहीं देने पर ऑनलाइन क्लास बाधित किए जा रहे हैं, स्कूल अभिभावकों पर थोप रहे हैं। अपनी मर्जी संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पिछले 4 महीने से निजी स्कूलों से कोई सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बिना अनुमति के ऑनलाइन क्लास भी दी गई है। झारखंड में आज 68 नए संक्रमितों पुष्टि हुई, जो रांची से 27, पूर्वी सिंहभूम 16, कोडरमा 8, पश्चिमी सिंहभूम 3, गढ़वा 3, दुमका 3, गिरिडीह 3, पलामू 2, लातेहार 2, सरायकेला से 1 है। रांची में मिले मरीज नामकुम मिलिस्ट्री अस्पताल चुटिया से हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 2702 है, जबकि 2001 लोग स्वस्थ हुए, 15 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 649,889 है, जबकि 394,319 लोग स्वस्थ हुए और 18,669 की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस बोकारो 12, चतरा 9, देवघर 12, धनबाद 68, दुमका 6, पूर्वी सिंहभूम 235, गढ़वा 14, गिरिडीह 20, गोड्डा 3, गुमला 36, हजारीबाग 29, जामताड़ा 0, खूंटी 4, कोडरमा 42, लातेहार 6, लोहरदगा 14, पाकुड़ 3, पलामू 10, रामगढ़ 7, रांची 83, साहिबगंज 12, सरायकेला 44, सिमडेगा 4, पश्चिमी सिंहभूम 13 मरीज हैं। स्कूल अब सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं। राजधानी के निजी स्कूलों ने अपनी व्यवस्था बदल दी है। अब वे अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही स्वीकार कर रहे हैं। अधिकतर स्कूलों ने इसके लिए अभी ऑफलाइन व्यवस्था ही शुरू की है। दूसरी तरफ कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन व्यवस्था को भी दुरुस्त किया है और इसके माध्यम से वे भी छात्रों से केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं। कोल इंडिया हड़ताल से 61 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान। कोल इंडिया के कर्मचारी संगठनों के 3 दिन के हड़ताल से झारखंड को कम 61 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी का कहना है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे कोयला उत्पादक राज्यों को कुल 319 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। सरकार के कोयला के वाणिज्य खनन को अनुमति देने के फैसले के विरोध में यह हड़ताल बुलाई गई है। श्रमिक संगठनों की इस हड़ताल से लगभग 40 लाख टन कोयला उत्पाद के नुकसान की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा को सर्वाधिक लगभग 70 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है। देवघर मेला हाई कोर्ट का फैसला, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करें। झारखंड के देवघर जिला में हर साल आयोजित होने वाली विश्वव्यापी श्रावणी मेला के आयोजन पर झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आ गया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने सरकार से कहा है कि वह भक्तों के लिए बाबा भोलेनाथ का वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था करे। इस फैसले के बाद देवघर में सदियों से लगने वाले श्रावणी मेला की परंपरा टूट गई है। प्रवासी को रोजगार के लिए श्रम मंत्री ने कृषि मंत्री से की बात। झारखंड सरकार संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के दौरान अपने घर आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इन प्रवासी मजदूरों को कृषि के क्षेत्र में रोजगार देने की संभावनाओं पर शुक्रवार को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के बीच बातचीत हुई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से राजधानी रांची स्थित उनके आवास पर शुक्रवार को औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच लॉकडाउन की वजह से लौटकर अपने घर आए झारखंड के प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य में रोजगार प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा हुई।
देवघर में बड़ी चौकसी, मंदिर तक नहीं पहुंचे भक्त। डीसी गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा दायर याचिका में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आते ही देवघर जिला प्रशासन रेस हो गया है। अब श्रावणी मेला नहीं लगना है और न ही बाबा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए लॉकडाउन अवधि में खुलने जाएगा। इसको लेकर डीसी नैनी सहाय ने सावन से पहले ही सीमावर्ती इलाके और मंदिर आसपास के इलाके में कड़ी चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। शहीद कुलदीप को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रीनगर में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान कुलदीप उराव की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा, साहेबगंज निवासी जवान कुलदीप उराव की शहादत पर पूरे राष्ट्र को गर्व है। इस मुश्किल घड़ी में मेरी संवेदना शहीद के परिवार के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा दिन रविवार। इस दिन पिछले चंद्र ग्रहण से ठीक एक महीना बाद एक बार फिर 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का तत्काल प्रभाव भारत में नहीं दिखाई देगा, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में यह ग्रहण सुबह 8:37 से शुरू होगा और सुबह 9:59 तक ग्रास को प्राप्त करेगा। सुबह 11:37 तक चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सेवा ही संगठन कार्यक्रम आज 4 बजे। भाजपा के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि शनिवार 4 जुलाई को अपराह्न 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा ही संगठन अभियान की प्रस्तुति कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। साहू ने शुक्रवार को बताया कि संक्रमण काल में संपूर्ण देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री के आह्वान पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सेवा ही संगठन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर गरीबों, प्रवासियों, मजदूरों एवं जरूरतमंदों के बीच सेवा का कार्य चलाया। कोडरमा में कई इलाके सील। झुमरी तिलैया झंडा चौक के एक इलाके के साथ ही डोमचांच और जयनगर के कुछ इलाकों को शुक्रवार को जोखिम क्षेत्र बनाकर सील कर दिया गया है। गुरुवार को जिले के 11 लोगों को पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें दुर्गा कॉलोनी स्थित यूनियन बैंक कर्मी के साथ कई अन्य लोग भी सम्मिलित थे। रांची शहर विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना प्राथमिकता। SSP राजधानी रांची के खतरवे SSP के रूप में सुरेंद्र झा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। झा को तत्कालीन SP अनीश गुप्ता ने पदभार सौंपा और उन्हें बधाई दी। मौके पर SSP सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि शहर की विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना, ट्रैफिक समस्या दूर करना, साइबर क्राइम रोकना, ग्रामीण क्षेत्र में नक्सली समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। विद्युत अधिनियम 2020 के प्रस्ताव पर CM ने जताई आपत्ति। केंद्र सरकार विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बदलाव की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में विद्युत अधिनियम विधेयक 2020 को संसद में रखा जाना है। इस अधिनियम विधेयक के मसौदे पर राज्य सरकारों की भी सहमति अपेक्षित है। केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बिजली मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर उनकी राय जानी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले जरूरी सुझावों को विद्युत अधिनियम विधेयक में सम्मिलित किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विद्युत अधिनियम में प्रस्ताव संशोधन पर अपने विचार रखने के साथ कई आपत्ति जताई है। कृषि मंत्री ने महिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल से मिले। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षता गुंजन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को नेपाल हाउस में कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात की। इस दौरान गुंजन सिंह ने मंत्री बादल पत्रलेख से पूरे राज्य और खासकर चतरा एवं हजारीबाग की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनको सबल बनाने का अनुरोध किया। प्राइवेट कोचिंग खोलने की मांग देवघर। प्राइवेट कोचिंग सेंटर के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष लालन मिश्रा के नेतृत्व में सड़क मार्च करते हुए शिक्षक वीर कुंवर सिंह चौक से होते हुए शहर भ्रमण कर टावर चौक पर पहुंचकर जमा हुए। इस मौके पर मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हम सभी शिक्षकों की स्थिति इस बात से बेहद हो गई है। अब अगर कोचिंग सेंटर को खोलने की इजाज़त नहीं मिली तो सभी प्राइवेट शिक्षकों का जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सभी शिक्षक इस बात से वाकिफ हैं कि देश अभी संक्रमण से गुजर रहा है, लेकिन जहां एक तरफ शहर का मॉल, कपड़ा दुकान इत्यादि खुल रहे हैं, सरकार उन पर भी पाबंदी हटा रही है। ऐसे में कोचिंग संस्थान को खोलने की इजाज़त भी दी जा सकती है। पैक्स में बकाया राशि भुगतान शुरू। रामगढ़ जिले के पैक्स में किसानों की बकाया राशि का भुगतान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सुधीर कुमार मंगलेश के आग्रह पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जिला के अधिकारियों को निर्देश जारी किया था।
शुक्रवार से किसानों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिसकर्मी को परीक्षा पास करना होगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा व साक्षात्कार होगा। परीक्षा में पास होने वाली पुलिसकर्मी को ही मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। पुलिसकर्मी की पोस्टिंग के लिए पुलिस मुख्यालय में बाकायदा इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की भी गठन की गई है। मुख्यालय में तैनाती के लिए 207 पुलिसकर्मियों ने अपने अपने रेंज के डीआईजी के लिए मुख्यालय में अनुशंसा भेजी थी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट में हमें अपना सुझाव अवश्य दें।